So, a very good afternoon to all my dear students. As you all know, this is the day one of the add-on course that we are doing, entrepreneurship and leadership. Okay, so isme if you see students, the first lecture that we are starting as of now. Okay, just give me a minute. इसमें नहीं होता है हॉट्स पर ठीक है मतलब यस स्टूडेंट्स, सो एज आई वॉज टेलिंग, दिस इज द डे वन. डे वन पे वॉट आई वॉन्ट यू ऑल टू नो इज यू नो जस्ट द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योर, हु एग्जैक्टली एन एंटरप्रेन्योर इज, एंड मोर लर्निंग बेस्ड. एज आई हैव टोल्ड यू, दिस होल कोर्स विल बी प्योर लर्निंग बेस्ड. टेक्स्ट बुक का नॉलेज ठीक है, आई वॉन्ट यू टू नो अबाउट मोर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स. ओके, एंड ऑब्वियसली एंड ऑफ द सेशन आई विल बी रिपीटिंग. अभी से ही मैं रिपीट कर रही हूँ. टुडे इज डे वन. बाय द एंड हमारा जब मार्च में सेशन एंड होगा, आई वॉन्ट एवरी वन टू कम अप विथ एटलीस्ट वन आइडिया कि आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. ओके, कि इफ समवन इज टेलिंग मैम मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है. नेटवर्क मार्केटिंग, नो स्टूडेंट्स, नेटवर्क मार्केटिंग इज डिफरेंट. दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडरशिप. मन मीन्स इफ समवन इज सेइंग आई वॉन्ट टू बिकम अ बिजनेसमैन, तो आप में ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. ओके, दैट यू कैन स्टार्ट अप विथ समथिंग न्यू. सी स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली समथिंग टूडे. आज का जॉब मार्केट यू ऑल नो इट इज नॉट दैट ग्रेट. ओके, आई मीन अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यू नो इनफैक्ट हम अवर सर, जब हम लोग का ट्रेनिंग चल रहा था, ही हिमसेल्फ हैड टोल्ड अस दिस कि यू नो आप लोग जॉब एंड ऑल करते हो ये सब ठीक है, बट वॉट द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नो जॉब के अलावा अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, जस्ट हैविंग अ जॉब इज नॉट इम्पॉर्टेंट. उसके अलावा आप क्या कर रहे हो. जैसे कि आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, अदर देन बींग अ प्रोफेसर आई एम ऑल्सो अ राइटर. मैं राइटिंग भी करती हूँ. सो यू नेवर नो टुमारो इफ आई माइट बिकम अ वेरी गुड राइटर. दैट इज वाई यू नो स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर स्टूडेंट्स, फॉर दोज ऑफ यू हु केम लेट, आई हैड शेयर्ड यू एन एग्जाम्पल ऑफ जे के राउलिंग. बेसिकली फिर से आई एम शेयरिंग इट सो दैट इट कम्स इन द रिकॉर्डिंग पार्ट. सी शी इज बेसिकली द वन, अ वेरी ब्यूटिफुल ब्रिटिश लेडी, राइट, जे के राउलिंग. शी इज बेसिकली द वन, द पर्सन, द फेस बिहाइंड हैरी पॉटर. आपने हैरी पॉटर के ऑल नॉवेल्स दैट यू हैव रेड, मूवीज दैट यू हैव वॉच, मर्चेंडाइज जो मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ हर लेडी. मैंने वही समझाया था आप लोगों को, यू नो कि शी हैड टू फेस सो मेनी स्ट्रगल्स इन लाइफ. एजुकेशन में शी वॉज यू नो नॉट सपोर्टेड बाय हर फैमिली टू बिकम अ राइटर. After then that if you see, you know, personal life mein also she had been through divorce, she was in depression. Then she came up with a great idea of Harry Potter, like a normal tissue paper pe she started writing her stories. Okay, uske baad today if you see she is a billionaire. ओके, उनको उनकी जो हैरी पॉटर की स्क्रिप्ट थी, स्टार्टिंग में सो मेनी पब्लिकेशन हाउसेज हैड रिजेक्टेड इट. ओके, सो दैट इज वॉट, ये ऐसे एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स. और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ जस्ट फॉर द रिकॉर्डिंग पार्ट, इफ यू बेसिकली सॉ इट, जस्ट गिव मी अ मिनट. और भी एग्जाम्पल्स है, दिस होल सेशन स्टूडेंट्स एज आई हैव टोल्ड यू फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. दिस पिक्चर दैट आई वॉज शोइंग यू, राइट, सचिन एंड बिनी बंसल, यू ऑल हैड आंसर्ड मी, फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट. सिंगापुर में दे हैड गेन्ड अ वेरी गुड वर्क एक्सपीरियंस. आफ्टर देन दैट दे इंडिया में आए, दे स्टार्टेड अप, यू नो स्टूडेंट्स नॉर्मली ई कॉमर्स वेबसाइट्स वेन दे स्टार्ट, इवन दे हैड स्टार्टेड सेलिंग बुक्स. बुक से उन्होंने स्टार्ट किया था, लुक एट वे दे आर टूडे नाउ. चलो आज तो यू विल टेल कि मैम अभी फ्लिपकार्ट तो वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, बट करोड़ों में खरीदा है स्टूडेंट्स. जस्ट इमेजिन हाउ रिच दे आर. ओके, ये सब आइडिया. सी स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू वन पॉइंट, इफ यू सी, मैंने आप लोगों को बताया था एंटरप्रेन्योरशिप में, यू हैड टोल्ड मी वेरी गुड कि मैम दे शुड बी क्रिएटिव, इनोवेटिव, आइडिया होना चाहिए. बट यू नो स्टूडेंट्स, राइट टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलवेज रिमेंबर, टाइम का मीनिंग क्या है. अगर यू नो फॉर एग्जाम्पल सी इनोवेशन, तो चलो आई हैव टोल्ड यू आइडिया इज इम्पॉर्टेंट,
बिजनेस में प्रॉफिट इज अवर एम, बट अगर वो राइट टाइम पे आइडिया हम नहीं लेके आ रहे, कई बार इट हैपन स्टूडेंट्स, व्हाट हैपन्स इज हमारे पास आइडियाज अच्छे होते हैं, वी हैव ग्रेट आइडियाज, बट वी विल बी इन टू माइंड्स कि मैं करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, उसमें यू नो कोई आगे और हमसे निकल जाएगा. टाइमिंग इज, दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. ओके, नॉलेज, आई हैव टोल्ड यू, धीरू भाई अंबानी, मार्क जकरबर्ग, दे नेवर हैड एन एमबीए डिग्री, स्टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स. मीन्स वॉट? बेसिकली यू नो, नॉलेज एक पार्ट है, कितना ज्ञान है तुम्हारे पास, एंड इफ यू सी डिग्री इज वन अनदर पार्ट. ओके, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट डिग्री. आप लोगों ने वो थ्री इडियट्स मूवी में भी देखा होगा स्टूडेंट्स, वो डायलॉग है ना कि एक्सीलेंस पे फोकस करो, सक्सेस आपको आ ही जाएगा, राइट? बेसिकली उसमें इफ यू सी दैट चतुर हु वॉज देयर इन द मूवी, वो बेसिकली क्या कर रहा था, उसका मेन एम वॉज सक्सेस. ओके, बट ही वॉज नॉट हैविंग नॉलेज, वेर एज जो साइंटिस्ट था रैंचो आमिर खान, ओके, उसका बेसिकली इफ यू सी ही वॉज फोकसिंग ऑन हिज नॉलेज कि कैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले. ओके, सो दैट इज वन पार्ट. नेक्स्ट, इफ यू सी स्टूडेंट्स, टीम टुगेदर एवरी वन अचीव्स मोर. टीम वर्क करना है हमें, इंडिविजुअल वर्क नहीं होता है. लीडरशिप, ये कंसेप्ट मैंने आप लोगों को कहा, यू नो स्टूडेंट्स, ये हमें डिटेल में पढ़ना है. गुड, सचिन हैज रिटन समथिंग वेरी गुड. टाइम प्लस फोकस प्लस नॉलेज इक्वल टू सक्सेस, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके, रिस्क टॉलरेंस मीन्स वॉट? एक टाइम अगर ऐसा होता है, यू नो स्टूडेंट्स, ओके, आई थिंक आई नाउ स्टार्ट शेयरिंग मोर फोटोज, न्यू फोटोज इन फैक्ट, सो दैट आप लोगों को पता चले और क्या एग्जाम्पल्स हैं. सी, जस्ट गिव मी अ मिनट. सी, दिस एग्जाम्पल आई हैड ऑल्सो शेयर्ड, विजय शेखर शर्मा, आप लोगों ने कहा था, द ओनर ऑफ पेटीएम. यू नो स्टूडेंट्स, पहले व्हेन पेटीएम केम, कोई देर वॉज हार्डली एनी वन यूजिंग, सब लोग बोल रहे थे. यू नो, आई रिमेम्बर देर वॉज अ टाइम जब पेटीएम में स्टूडेंट्स, इफ यू वॉन्टेड अ सिक्योर अकाउंट, वो आधार से लिंक कराना पड़ता था. पीपल वेर लाइक, हम लोग क्यों अपना आधार का डिटेल्स उन्हें दें, कौन यूज करेगा ये पेटीएम? ये सो नो, पहले क्या होता था कि जो कैश यूज करते हैं, दैट इज द फाइनल थिंग. बट अब देखो स्टूडेंट्स, हाउ द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल वॉलेट हैज चेंज. नाउ नो वन वॉन्ट्स टू कैरी मनी, पैसे चोरी हो सकते हैं. ये सो नो, डिजिटल सब कुछ एक मिनट में. इफ यू सी स्टूडेंट्स, यू नो, पहले बिल भरने के लिए भी लाइन लगा करती थी. ओके, कैश नहीं था. आप देखो, बीच में ये डीमोनेटाइजेशन इंडिया में आया था, जब नरेंद्र मोदी जी में बैंक्स के आगे कितनी लाइन लग गई थी वो टाइम से स्टूडेंट्स. इफ यू सी स्पेशली पेटीएम है, अदर देर आर फ्री चार्ज, अमेजोन पे वॉलेट, वो टाइम से, वो तब से दे आर इंडिया में यूज होने लगे, राइट? तो दैट इज वॉट पेटीएम. स्टार्टिंग में पेटीएम नहीं चला था, बट ही नेवर गेव अप हिज बिजनेस. ही न्यू, यू नो स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स का यही एक चीज होता है, दैट आई हैव सीन, दे आर विजनरीज. आई वॉज जस्ट रीडिंग एन आर्टिकल, इफ आई विल टेल यू, अमेजोन जेफ बीजोस, अगर आप लोगों को पता है, द ओनर. ओके, सो वॉट ही हैड डन बेसिकली इज, यू नो, वो जब अमेजोन का कंसेप्ट, इफ यू सी स्टूडेंट्स, इंडिया में अमेजोन अब तक दे आर नॉट अर्निंग प्रॉफिट स्टिल नाउ. ओके, तो आई मीन दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू स्टूडेंट्स. वो लोग ऐसा नहीं सोच रहे कि इंडिया के लोग क्या, यू नो, मुझे यहाँ पे लॉस होगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा. दैट इज व्हाट इज टोल्ड यू, दे आर विजनरीज. अमेजोन ऐसे ही स्टूडेंट्स, जेफ बीजोस आपने सुना है, ऐसे ही वो रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड नहीं बना है. ओके, उसका बहुत फ्यूचर का थिंकिंग होता है, विशनरी हम जो बोलते हैं, राइट? नेक्स्ट, यू सी सी ये पीपीटी देखो, हु एग्जैक्टली इज एन एंटरप्रेन्योर. आप लोग देखो, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल सचिन एंड बिनी बंसल का ले लो, ओनर्स ऑफ फ्लिपकार्ट. दे वे विशनरीज, येस और नो? दे हैड समथिंग नोन एज सेल्फ कॉन्फिडेंस, पैशन, मतलब कुछ कर दिखाने का, हम बोलते हैं ना, वो होना चाहिए कर दिखाने का स्पिरिट, दैट आग होनी चाहिए, राइट? टेनेसिटी मीन्स परफेक्शन. ओके, अ ग्रेट आइडिया दैट पीपल विल पे मनी फॉर. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वॉलमार्ट वाले, दे हैव बेसिकली अब फ्लिपकार्ट उन्होंने खरीद लिया है, आर दे आर नॉट स्टूपिड कि इतने सारे करोड़ों रुपये दे के उन्होंने फ्लिपकार्ट खरीदा है.
येस और नो, एक आइडिया अच्छी होती है स्टूडेंट्स. आज के टाइम में आई ऑलवेज टेल एवरीवन कि हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया, नाउ इट इज द टाइम टू डू स्मार्ट वर्क. स्मार्ट मतलब कम अप विथ मोर आइडियाज. आप लोग देखो, मार्क जकरबर्ग जो है उसने पत्थर नहीं तोड़े, हार्ड वर्क नहीं कर रहा है वो, स्मार्ट वर्क दिमाग से उसने काम किया है. फॉर एग्जाम्पल, टेक दी एग्जाम्पल ऑफ बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट, वो भी स्टूडेंट्स दिमाग से काम कर रहे हैं. येस और नो, हार्ड वर्क मतलब ओरिजिनली इवन अवर पेरेंट्स, फॉर एग्जाम्पल इफ आई विल टेल यू, सबकी क्या मेंटालिटी होती है कि यू नो हम लोग अपना बैग लेके ट्रेन में जा रहे, इतनी दूर ऑफिस में घंटों काम कर रहे, 12 घंटे, 14-15 आवर्स वी आर वर्किंग. वो हार्ड वर्क नहीं होता है स्टूडेंट, स्मार्ट वर्क. मैं आपको आगे के लेक्चर्स में आई विल इवन गिव यू एग्जाम्पल्स. एक और वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी. ओके, प्लान ऑफ सक्सेस मीन्स स्टूडेंट्स दीज पीपल आर वेरी गुड प्लानर्स इन जनरल ऑल्सो. इफ आई विल टेल यू, जो मैनेजर्स होते हैं दे आर ग्रेट प्लानर्स. ओके, प्लानिंग वो लोग को करना पसंद होता है. वाई बेसिकली यू नो बिकॉज दीज पीपल आर अवेयर. सी स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को भी अगर बताऊँ, लाइफ में प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, यू कैन नॉट टेल दैट वे कि मैम अभी मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मुझे आगे क्या पढ़ना है क्या नहीं. एक प्लान होना चाहिए स्टूडेंट्स बेसिकली आप लोगों की लाइफ में, कि तुमने फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव सिलेक्टेड BMS, तो क्यों BMS लिया है तुमने, यू शुड आस्क दैट क्वेश्चन टू यू. ओके, इसके बाद क्या, वॉट आफ्टर दिस. स्टूडेंट्स अगर आपका लाइफ में कोई एम नहीं होगा, कोई प्लान नहीं होगा, आई विल टेल यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट. इसलिए यू नो मैं आप लोगों को वही बोल रही थी, हमारा सेशन जब एंड होगा आई विल आस्क ऑल ऑफ योर क्वेश्चन. आपके माइंड में क्या आइडिया है, आई वॉन्ट एटलीस्ट वन आइडिया टू कम फ्रॉम एवरी पर्सन कि आप लोग लाइफ में यू नो जॉब के अलावा MBA जो भी यू वॉन्ट टू डू सी है, इसके अलावा वेर यू सी योर सेल्फ. ओके, नेक्स्ट इफ आई विल टेल यू कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान. इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स, हमने प्लान तो बना लिया बट इसका ये मीनिंग नहीं है ना कि इसके बाद यू नो मैंने वो प्लान देखा ही नहीं, चीज़ें चल रही है वैसी चलने दो. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स. एग्जीक्यूशन मीन्स मैंने आप लोगों को कहा है लोगों से भी हमें काम करवा के लेना है. येस और नो, तो प्लान एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं. एग्जीक्यूट मीन्स एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, वी हैव टू मेक श्योर कि वो भी हो. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट आई टोल्ड यू. ओके, तो ये PPT हो गया. नाउ अगेन सी, एज आई हैव टोल्ड यू अवर लेक्चर विल बी फुल ऑफ एग्जाम्पल्स. सो मैं आप लोगों के साथ एक फोटो शेयर कर रही हूँ. यू विल हैव टू टेल मी हु दिस लेडी इज. ओके, शी इज़ द फाउंडर ऑफ विच कंपनी. एक हिंट दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू वन हिंट. आप हो सके तो मुझे बताओ इसका नाम एंड विच कंपनी शी इज एसोसिएटेड विथ. एक हिंट दे रही हूँ, ये एक ऐसी कंपनी है, मे बी गर्ल्स आर मोर अवेयर अबाउट इट, वो लोग शायद ज्यादा यूज करती होंगी, गर्ल्स ज्यादा यूज करती होंगी शायद. एनीवे, कैन एनीवन गेस. चलो नाम पता नहीं, एटलीस्ट ट्राई टू गेस. मैंने आप लोगों को कहा है ना स्टूडेंट्स, एक एंटरप्रेन्योर आप लोग भी अगर फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हो, यू शुड बेसिकली नो यू नो एनवायरमेंट में क्या चल रहा है. यू विल नेवर, दे विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, डरते नहीं है वो लोग. सो दैट इज वॉट आई वॉन्टेड टू आस्क यू, कैन यू एटलीस्ट ट्राई विच कंपनी शी इज एसोसिएटेड विथ. कम ऑन, ट्राई करो स्टूडेंट्स. गर्ल्स यू कैन आंसर. मैंने हिंट बोला था, मे बी गर्ल्स माइट बी यूजिंग हर, आई वुड से जो भी. चलो बता ही देती हूँ, वेबसाइट है, शी इज फाउंडर ऑफ वन वेबसाइट, प्रोडक्ट्स बेचते हैं. विच प्रोडक्ट्स कैन इट बी, कैन एनी वन टेल मी. वाओ, वेरी गुड. Danesh is having really. Danesh, you are from which class by the way, just let me know. He has given me the right answer. The correct answer students is Falguni Nair. Okay, yes, absolutely. Nair hai, Nair hai, I don't know the exact pronunciation. Falguni Nair bolte hum. Okay, Antima has also answered me, very good. So she is the founder of Nykaa, NYKAA. very good. Kiran Saili, students agar aap dekhte ho
ये क्यों आई एम गिविंग यू दिस एग्जाम्पल, बिकॉज अगेन आपको एक कंसेप्ट है विमेन एंटरप्रेन्योर्स का, विमेन दोज हु आर इन द बिजनेस, येस और नो? अगेन इफ यू सी स्टूडेंट्स, फाल्गुनी नायर, आप लोग देखो नायिका, इफ यू सी इट इज अ वेबसाइट और ऐप, जो भी आप बोलो. राकेश, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टाइप इट इन द चैट बॉक्स, ओके? इसका इफ आई विल टेल स्टूडेंट्स फाल्गुनी का एग्जाम्पल, वेन शी स्टार्टेड नायिका शी वॉज अगेन अ विजनरी. आप लोग अगर देखते हो स्टूडेंट्स, वॉट नॉर्मली हैपन्स इज इंडिया में, सी अभी पहले के जो दिन थे दे हैव गॉन बेसिकली, राइट? फर्स्ट वॉट यूज टू हैपन इज कि ओनली यू नो मेल्स वेयर वर्किंग, मेल ही जॉब करते थे. आज का टाइम सी विमेन, मोर एंड मोर विमेन आर गेटिंग एजुकेटेड, MBAs हो रहे हैं, इंजीनियर्स हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ दिस वॉट हैपन, विमेन भी जॉब कर रही है स्टूडेंट्स, ओके? सो वॉट हैपन्स इज नॉर्मली, आप लोग भी गर्ल्स बॉयज ऑफकोर्स, वेन यू गो टू ऑर्गेनाइजेशन देर इज अ सर्टन ड्रेस कोड दैट यू हैव टू फॉलो. मीन्स आप ऐसे ही नहीं जा सकते हो. आप अगर क्लाइंट्स को मिलते हो, आपको प्रॉपर यू नो लिपस्टिक, मेकअप, देर इज अ सर्टन वे इन विच वी हैव टू लुक, ओके? अच्छा दिखना पड़ता है. सो ये फाल्गुनी के माइंड में दिस आइडिया वॉज देयर सिंस अ लॉन्ग टाइम. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, यू नो हमें लगता है कि मैम हम मेकअप टाइम पास के लिए ही लगाते हैं. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स. मीटिंग्स में व्हेन वी आर गोइंग, अच्छी जगह जा रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ यू सी देयर समवन जो मार्केटिंग में काम करता है, दे कॉन्स्टेंटली हैव टू मीट क्लाइंट्स. क्लाइंट्स को मिलते हैं, यू हैव टू बी प्रेजेंटेबल. प्रेजेंटेबल मीन्स वॉट? खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर सको. स्टूडेंट्स, आप लोगों ने, देयर इज वन सेइंग, आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड दिस, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, येस और नो? आप लोगों ने सुना है कि नहीं? फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. मीन्स हम बोलते हैं ना, बाहर का द वे वी लुक, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. बिकॉज पहली चीज जो हमें देखते हैं, आप लोग भी देखो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल वेन यू कम टू कॉलेज, कोई भी टीचर आता है, नया टीचर, आप लोग क्या करते हो? फर्स्ट डे यू विल जस्ट सी वो टीचर को, येस और नो? कि वो क्या है, कैसा पहना है, कैसे, यू विल ट्राई टू गेस देयर नेचर. ये फॉर एग्जाम्पल अच्छी है, खड़ूस है, वॉट एवर इट इज, ओके? सेम वे अपियरेंसेज डू मैटर, स्पेशली इन मार्केटिंग एंड ऑल, ओके? अदरवाइज आप स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, आई हैव हर्ड दिस, आप प्रॉपर ड्रेस ही नहीं हो, सामने वाला आपका जो कस्टमर है, क्लाइंट है, आपको टाइम भी नहीं देगा, ओके? तो दैट इज व्हाट शी केम अप विथ. तो आप देखो नायिका पे, नॉट जस्ट कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक्स तो आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, कॉस्मेटिक्स में भी बहुत वैरायटी होती है स्टूडेंट्स. आप लोग देखो, 10 रुपीज़ का भी लिपस्टिक मिलता है, 2000 का भी लिपस्टिक मिलता है, ओके? तो नायिका इज, हम बोलते हैं ना, ऑल इन वन प्लेटफॉर्म. इसमें इफ आई विल टेल, ऐसा भी नहीं है स्टूडेंट्स, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, मेल्स के लिए भी उनके ग्रूमिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? फॉर एग्जांपल ट्रिमर है, गर्ल्स का इफ आई टॉक अबाउट हेयर स्ट्रेटनर्स, एवरीथिंग यू विल गेट ऑन नायिका. अगर मैं आप लोगों को बताऊँ पूरा ये जो ब्यूटी एंड स्किन केयर का कंसेप्ट है, शी इज द वन हु हैज यू नो गिवन इट अ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, ओके? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. फाल्गुनी नायर, द फाउंडर ऑफ नायिका. आप लोग स्टूडेंट्स वो ट्रेडिशनल एग्जाम्पल लिखते हो ना, धीरू भाई अंबानी एंड ऑल, वो सब ठीक है, ट्राई टू राइट सच न्यू एग्जाम्पल्स व्हेन इट कम्स टू दिस कोर्स, ओके? तो ये आप लोगों को, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ओके? लेट मी स्टार्ट शेयरिंग द नेक्स्ट PPT विथ यू. किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग एवरीवन्स रिस्पॉन्सेस. किसी को कुछ नई समझ में आया है, वॉन्ट मी टू रिपीट, प्लीज आस्क मी. सी, अभी एक और PPT है, वी विल सी, विल हैव अ लुक नाउ. आई होप इट्स विजिबल, येस. हु एग्जैक्टली इज एन एंटरप्रेन्योर? मैंने आप लोगों को इतने सारे एग्जाम्पल्स देखे, इसके बेसिस पे यू कैन राइट दिस आंसर. कौन होते हैं? समवन हु सीज अ न्यू अपॉर्चुनिटी and creates a business to exploit it. I gave you the example of Falguni Nair.
व्हाट शी डिड इज उसने देखा कि एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है. यू नो स्टूडेंट्स, व्हेन नाइका व्हेन शी फाउंडेड इट, तभी ऐसा कोई वेबसाइट नहीं था जिस पे यू कैन गेट ओनली कॉस्मेटिक्स. आई रिमेम्बर नाइका पे इफ यू स्पेशली सी, यू नो देयर आर मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स दैट आर अवेलेबल. ओके, इंडिया के अलावा भी देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल ब्रांड्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल, एस्टेल ऑर्डर है. ओके, पहले इंडिया में ये मिलता ही नहीं था. नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज समवन वेरी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव, कंपनी की सीईओ है, उसकी कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट्स के साथ, फ्रॉम वेयर विल शी बाय इट? तो आई मीन फाल्गुनी हैड केप्ट ऑल दीज थिंग्स इन माइंड. यू नो स्टूडेंट, नाइका पे अफोर्डेबल कॉस्मेटिक भी आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. चीप ब्रांड्स ऑल्सो यू विल गेट, चीप आई मीन एकदम सस्ता छाप नहीं, बट इन द अफोर्डेबल कैटेगरी लाइक L18. ओके, एंड एकदम एक्सपेंसिव ब्रांड्स भी मिलेंगे. मतलब शी हैड सीन अ न्यू अपॉर्चुनिटी. आप लोग देखो, इवन दिस विजय वी वर टॉकिंग अबाउट, उसका पेटीएम का भी, यू नो व्हेन ही हैड फाउंडेड पेटीएम, उसके माइंड में ये था कि आगे जाके इंडिया डिजिटल होने ही वाला है. ओके, बिकॉज क्या है स्टूडेंट्स, नॉर्मली इफ यू सी बिजनेस मैन एंटरप्रेन्योर्स जो होता है, सी द आइडियाज दैट दे नॉर्मली ब्रिंग, दे आर फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज. आप लोग देखो, स्पेशली यूएस. ओके, यूएस का इफ आई टॉक अबाउट, वहाँ पे आइडियाज काफी पहले से आ गए थे. यू नो डिजिटल मनी, वहाँ पे दे वॉन्टेड टू स्टॉप ये जो हम यूज करते हैं ना, करेंसी नोट्स कॉइन्स. You know, it's very difficult to handle students. Those who are students of banking and insurance, they know about it. आसान नहीं है वो, उसमें भी गवर्नमेंट बहुत खर्चा करता है. तो यू नो दैट इज वाई सब उन्हें डिजिटल करना था, पेपरलेस बोलते हैं ना हम. ओके, तो एक नई अपॉर्चुनिटी हमें दिखनी चाहिए एंड उसको बिजनेस में क्रिएट करो ना. ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, यू टेल मी स्टूडेंट्स, ओरिजिनल, हम जो स्टोन एज मैन की बात कर रहे हैं उसको, यू नो व्हाट वेयर अवर बेसिक नीड्स इफ आई टॉक अबाउट, यू नो रोटी कपड़ा मकान मीन्स व्हाट, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, येस और नो. तो आप एक एग्जाम्पल लो, मोबाइल फोन. आई मीन यू आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, मोबाइल फोन इज इट अवर बेसिक नीड? उसके बिना क्या कोई मर जाता है? जस्ट आंसर मी अ सिंपल क्वेश्चन, इफ टुमारो मोबाइल फोन्स आर नॉट देयर विथ अस, इज एनी वन गोइंग टू डाई? हाँ, अगर मैं आप लोगों को एक वीक तक खाना नहीं देती हूँ तो आप मर जाओगे, पानी नहीं होगा मर जाओगे, मोबाइल फोन नहीं होगा, इज एनी वन गोइंग टू डाई? Obviously no, right? Thanks for answering. That is what is told over here, students. तो ideally opportunity demand हमें create करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है. अदरवाइज तो यू नो स्टूडेंट्स, टूथपेस्ट भी किसी को नहीं चाहिए, कॉस्मेटिक नहीं चाहिए, कई बार डिमांड क्रिएट करनी पड़ती है. ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर. स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन इफ यू सी मींस व्हाट, बेसिकली विजनरी स्किल्स, फ्यूचर में देखने के स्किल्स होने चाहिए उनमें. ओके, पीपल स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी लीडरशिप में आप यही पढ़ोगे स्टूडेंट्स, पीपल स्किल्स मीन्स वॉट, लोगों से काम कैसे करवा के लेना. यू नो स्टूडेंट्स, आई वॉज टेलिंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, आज के टाइम में अगर हमें किसी को पेन भी बेचना होता है ना, दैट इज नॉट समथिंग वेरी ईजी. ओके, पेन भी बेचना है, उसमें भी इफ आई विल टेल यू, इट टेक्स अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग. ओके, तो आप देखो ये लोग इतने सारे, दे हैव सो मेनी थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्किंग अंडर देम, काम करवा रहे हैं ये लोग, येस और नो? वो भी स्किल होना चाहिए, टन्स ऑफ करेज. यू नो स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, बिजनेसेस में करेज बहुत लगता है. लाइक मैं फाल्गुनी की बात करूँ, आई वॉज रीडिंग अबाउट हर, शी लेफ्ट हर फुल टाइम जॉब टू फाउंड नाइका. यू नो स्टार्टिंग में पीपल हैड टोल्ड हर दिस कि आर यू मैड, इतनी अच्छी जॉब छोड़ के तुम क्यों ये स्टार्टअप के झमेले में पढ़ना चाहती हो, तुम इतने पैसे जो तुमने कमाए हैं सब तुम्हारे डूब जाएंगे, वॉट इज द पॉइंट अल्टीमेटली? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, टर्न्स ऑफ करेज, बहुत हिम्मत होनी चाहिए उसमें, अदरवाइज यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. दे आर डिटरमाइंड. डिटरमाइंड का मीनिंग क्या होता है, उन्हें खुद पे विश्वास होता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, फाल्गुनी का ही ले लो, ओके, बिकॉज आज के लेक्चर में, और टेक एनी वन, बंसल ब्रदर्स का ही, यू नो दे हैड अ वेरी हाई पेइंग जॉब इन सिंगापुर. ओके, तब उन्होंने अगर ऐसा सोचा होता, डिटरमाइंड, कि
दे विल बी लाइक यू नो कि अरे मैं जॉब छोड़ू कि ना छोड़ू, बिजनेस करूँ कि ना करूँ, कर मुझे लॉस हुआ तो ये थिंकिंग से यू कैन नेवर मूव अहेड स्टूडेंट्स. ओके, डिटर्मिनेशन होना चाहिए. ओके, ओपन माइंडेड मीन्स वॉट, दे शुड बी एबल टू लर्न न्यू थिंग्स. हम बोलते हैं ना, देर शुड बी अ स्कोप फॉर क्रिएटिविटी. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विल टेल यू, ऐसा नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स की यू नो मैंने आज एक आइडिया बनाया है, ओके, ऐसे ही मुझे वो अचीव करना है. कुछ चेंजेस आते हैं यू नो स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. अगर एक पेड़ होता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ देर इज अ ट्री, ओके, एक हवा आती है ना, हवा का झोंका, फॉर एग्जाम्पल इफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड इज कमिंग इन इट्स वे, तो एक पेड़ होगा, वो क्या करेगा, अपने आप को बेंड कर देगा. ओके, एंड फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दूसरा एक ब्रांच या पेड़ है, उसने अपने आप को बेंड नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, वो गिरेगा. बट दोज हु आर एबल टू बेंड, मतलब बहुत समय के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर पड़ता है स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, आप अगर स्टूडेंट्स, देर आर अगेन न्यू एग्जाम्पल्स, नो फॉर एग्जाम्पल ले लो यू नो दे वर नॉट एबल टू एडजस्ट टू एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी. आप देखो नोकिया का टाइम में नाम था, एवरीवन वाज लाइक नोकिया नंबर वन फोन्स होते हैं, बट अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड इज वो लोग को एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी नहीं जमा. इन स्पाइट ऑफ बीइंग नंबर वन, दे वर आउट ऑफ द मार्केट इन नो टाइम. ओके, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं, दे आर कॉन्फिडेंट. मैंने कहा स्टूडेंट्स, आपको भी लाइफ में कॉन्फिडेंस इज योर बिगेस्ट एसेट. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नेवर गिव अप ऑन. ओके, दे आर डिसिप्लिन. डिसिप्लिन मीन्स ऐसा नहीं है कि मैंने बिजनेस का सोच के रखा है, फॉर एग्जाम्पल यू नो मैं करूँगा करूँगा करूँगा, तो नहीं स्टूडेंट्स. डिसिप्लिन मतलब स्टूडेंट्स, हमें लगता है कि बिजनेसमैन को फ्रीडम होती है, वो अपने हिसाब से काम कर सकता है. इट्स नॉट लाइक दैट स्टूडेंट्स, यू नो इनफैक्ट आई नो बिजनेस वाले जो लोग होते हैं, दे इवन वर्क हार्डर. लाइक ऑफिस में हमारा टाइम 9 to 5 होता है, राइट? बिजनेसमैन का ऐसा कोई टाइम नहीं होता है. इफ आई विल टेल यू नो दे बेसिकली दे विल वर्क फ्रॉम यू नो 9 to 9, कुछ टाइम ही नहीं होता है उनका. ओके, डिसिप्लिन होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. दे आर पैशनेट. पैशनेट का मीनिंग क्या है, अगर उन्होंने ठान लिया है कि ये मैं करके ही रहूंगा, तो दे विल अल्टीमेटली डू इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस. ओके, डिटरमाइन का भी मीनिंग यही होता है. इफ आई विल टेल यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्मिनेशन, कि कुछ भी होगा मैं करके रहूंगा. ओके, क्रिएटिव मीन्स वॉट, कम अप विथ न्यू आइडियाज. आप लोग देखो स्टूडेंट्स, नाइका का ही एग्जाम्पल इफ आई विल गिव यू, दिस इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग, काफी लर्निंग्स है नाइका में. स्टूडेंट्स यू नो नाइका के खुद के भी कॉस्मेटिक्स है, फॉर एग्जाम्पल वो लोग सिर्फ मेबलिन, लोरियल, लैक्मे इसके प्रोडक्ट्स नहीं बेच रहे, दे हैव देयर ओन कॉस्मेटिक लाइन ऑल्सो अंडर द नेम ऑफ नाइका. आर यू अवेयर अबाउट दिस? आई मीन जस्ट लुक एट हाउ विजनरी द लीडर इज. यू नो स्टूडेंट्स, एक नेल पॉलिश, इफ यू सी नाइका का सीन, 200 रुपीज का एक छोटा बॉटल आता है. कॉस्मेटिक लाइन स्टूडेंट्स, अगेन इफ आई विल टेल यू, इसमें देर इज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट, काफी प्रॉफिट है. हार्डली वो 10-20 रुपीज का एक बॉटल होता है, दे आर सेलिंग इट इन 200. इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग स्किल्स. ओके, तो आई मीन अदर, आप देखो उनके खुद के सोप के रेंज भी है, साबुन है, उनके शावर जेल्स है. मतलब दिस इज वॉट, उसने सिर्फ वेबसाइट खोल के नहीं रखी जहाँ पे यू नो वो कमीशन ले रही है, ओपनिंग हर ओन कॉस्मेटिक लाइन, नाइका कॉस्मेटिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग. इसको ही हम क्रिएटिविटी बोलते हैं. दे आर कॉम्पिटिटिव. कॉम्पिटिटिव का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, इफ आई विल टेल यू, कॉम्पिटिशन मतलब यू नो दे वॉन्ट टू ऑलवेज बी एट द टॉप, नंबर वन इन्हें होना है. ओके, सेल्फ स्टार्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी का भी एग्जाम्पल ले, धीरू भाई अंबानी है, सचिन एंड बिनी बंसल का ले लो, फागुनी नायर, दे नेवर हैड एनी यू नो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन बिजनेस. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आई मीन यू नो उन्होंने स्क्रैच, जीरो से स्टार्ट करके आज वो लोग हीरो हुए हैं. दे हैड नो यू नो फिनेंशियल सपोर्ट, समथिंग लाइक दैट. आज जो भी हम बोलते हैं ना, जो भी है खुद की मेहनत की वजह से, सेल्फ स्टार्टर्स,
यू नो आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, कई बार क्या बोलते हैं वो लोग अगर उन्हें यू नो कि अरे मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है. स्टूडेंट्स ये सब एंटरप्रेन्योर्स है, इवन नो वन वॉज देयर टू सपोर्ट देम. ओके, आगे भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं इन द कमिंग लेक्चर्स, आई विल टेल यू. अडेप्टेबल मीन्स वॉट, दे आर रेडी टू अडेप्ट टू चेंज, चेंज से डर नहीं जाते हैं. ओके, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक, इसका क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक का मीन्स बेसिकली मीन्स वॉट, वर्क एथिक्स मीन्स यू नो वेन इट कम्स टू वर्क देर इज नो एक्सक्यूज, जो काम जैसे करना है वो लोग उसको वैसे करेंगे. वर्क एथिक यू नो आई मीन दे आर वेरी ट्रू टू देयर वर्क. क्लाइंट को अगर टाइम दे के रखा है वो लोग फुलफिल करेंगे. कस्टमर को भी अगर प्रॉमिस दे के रखी है, यू नो फ्लिपकार्ट अमेजोन पे भी देयर इज अ रिटर्न पॉलिसी. आप लोग देखो अगर कंपनी की गलती होती है दे आर रेडीली एक्सेप्टिंग इट. ओके, फास्ट लर्नर्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी कोई ऐसा यू नो स्टूडेंट्स, आइडियली एन एंटरप्रेन्योर विल नेवर से समथिंग लाइक दिस, यू नो कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बहुत नॉलेज है, और फॉर एग्जाम्पल आई एम, मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आई एम यू नो मैं सबका बाप हूँ. लाइक दैट एटीट्यूड नेवर वर्क्स. फास्ट लर्नर्स मीन्स दे आर ऑलवेज रेडी टू लर्न न्यू थिंग्स, फटाफट सीखते हैं वो. आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री इज नॉट इम्पॉर्टेंट. ओके, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज आप लर्नर, नॉलेज कितना है आप लोगों के पास. ठीक है, सो नाउ हैव यू सी, दिस वॉज जस्ट अवर फर्स्ट टू लेक्चर इज हे स्टूडेंट्स. हैव यू अंडरस्टूड इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? आई हैव गिवन यू अ फ्यू एग्जाम्पल्स, मीनिंग एंड ऑल आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट टाइम वी विल स्टडी इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, नेक्स्ट लेक्चर व्हेन वी मीट. तो इसमें किसी को कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, वॉन्ट मी टू रिपीट? एंड प्लीज आस्क मी. आज हमारे दो लेक्चर्स हो गए रहे, आई जस्ट इंट्रोड्यूस यू स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स क्या है. आई हैव टोल्ड यू स्टूडेंट्स दिस बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ऑब्जेक्टिव हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि यू नो वी कम अप विथ न्यू आइडियाज फ्यूचर में. वेयर यू सी योर सेल्फ आप लोग मुझे बताओगे. ओके, स्टार्ट थिंकिंग. मैं आपको वही, आई वॉन्ट टू यू नो इंडल्ज यू इन क्रिएटिव थिंकिंग. आपको क्रिएटिव थिंकिंग पे भी एक लेक्चर है. हम हमारे यू नो माइंड में वी हैव सो मेनी थॉट्स, बट क्रिएटिव क्या है, उसका आउटपुट क्या है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो ये सब है लीडरशिप, मोटिवेशन पॉजिटिव वे में. स्टूडेंट्स आई हैव टोल्ड यू पॉजिटिविटी इन लाइफ इन जनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, देयर इज अ बुक बेसिकली द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. जो लोगों को रीडिंग पसंद है दिस बुक यू शुड डेफिनेटली रीड इट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग. ओके, इट विल चेंज योर लाइफ इन अ वेरी आई वुड से बेटर वे. हम लोग बोलते हैं ना, हम कई बार लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मैम मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है. अगर आप लोगों का ऐसा एटीट्यूड रहा, ओके, इट विल, आप लोग काफ़ी आगे जा सकते हो. ओके, या सो ये ऑब्जेक्टिव से. इसके अलावा आई वॉन्ट यू टू थिंक स्टूडेंट्स, अभी आप TY में हो, SY, FY, जो भी हो, स्टार्ट थिंकिंग फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो. इफ यू नो इफ समवन इज गेटिंग कंफ्यूज कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है वेयर आई वॉन्ट बी, आई विल जस्ट टेल यू वन सिंपल थिंग स्टूडेंट्स. जस्ट लुक, आपके हॉबीज क्या है, वॉट इज इट जो आपको यू नो, हम अगर कोई काम करते हैं तो यू विल बी लाइक, ऐसा कौन सा काम है जिसमें हमें काम जैसा लगता ही नहीं है. आस्क योर सेल्फ दैट क्वेश्चन कि वेर, मुझे ऐसा क्या पसंद है. आई एम टेलिंग एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल आस्क ईच एंड एवरी वन दिस क्वेश्चन. ओके, ठीक है स्टूडेंट. सो इन अ वे मैं आप लोगों को होम असाइनमेंट नहीं दे रही हूँ रिटर्न, बट असाइनमेंट आप लोगों का यही हो जाएगा. इफ़ आई विल टेल यू, यू विल हैव टू अल्टीमेटली टेल एनी न्यू बिजनेस आइडिया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन. ओके, एक नया बिजनेस आइडिया मुझे सबसे, लाइक एंड ऑफ द लेक्चर, जितने फर्स्ट लेक्चर देवे मोर पीपल, आई वॉन्ट यू टू टेल मी न्यू एंड न्यू आइडियाज. ठीक है, एंड सी आपके ग्रुप पे मैं आपके वीडियोस रिकॉर्ड भी कर रही हूँ स्टूडेंट्स. ओके, सो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो कि मेरे यूट्यूब चैनल का लिंक एंड ऑल क्या है, सो दैट यू कैन वॉच माय चैनल. ओके, सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग.
If anyone has any questions, you can ask me, students. Please feel free to ask. Just give me a minute. Anyone wants to ask anything? Kuch